गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संधि। देखिए ये संधि जो टॉपिक है, ये क्या है? संधि जो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हर वनडे एग्जाम में, यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए। और आपकी यूपी बोर्ड में हाई स्कूल और इंटर में कुछ संधियां आएंगी, आप उसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए संधि बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, पर हम 5 मिनट के अंदर कुछ स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे अन्य छोटे छोटे वीडियोज में हम आपको पूरी संधि कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ना, मतलब दो शब्दों को जोड़ना। इसे कहते हैं दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए संधि जो है, संधि का बेसिक अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या होता है? मेल। और मेल देखिए दो शब्दों क्या होगा, संधि का अर्थ क्या है? मेल। तो दो वर्णों के परस्पर, यहाँ पे मेल क्या होता है? दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि, संधि कितने प्रकार, संधि की संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। फिर आता है स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि और यण संधि, उसके साथ अयादि संधि। इसको याद करने का एक शानदार ट्रिक भी है, जैसा कि क्या होता है, डी जी वाई, क्या है, डी जी वाई, सॉरी वी होगा, यहां पर वी मतलब वृद्ध होगा, वाई मतलब या और ए मतलब एल। डी जी वी वाई ए, डीजे व्या, मतलब कह सकते हो। देखो दीर्घ क्या होता है, डी से स्टार्ट हो गया, डी गुण जी से, वी वा वी से और वाई यण से और ए से अयादि। ये 5 संधि आप याद कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए वनडे एग्जाम में संधि से कम 2 क्वेश्चन पूछ जाते, चाहे कॉन्स्टेबल हो, चाहे आपके एसएससी जीडी हो, जो एग्जाम चल रहे हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसी तरीके से मैंने उन चीजों को इम्पोर्टेंट ढूंढ के भी लेके आया, वही वर्ड जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे दीर्घ संधि, देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दो स्वर के जितने भी हैं आपस में मेल करते हैं तो क्या होता है, उसमें बड़ा आता है। आप इतना जानिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा जहां भी आपको, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी में आपको बड़ा दिखा, ये क्या हो गया, दीर्घ संधि। तो विद्या प्लस आर्थी, यहां आपको क्या मिला, बड़ा, और यहां क्या मिला, छोटा, तो दोनों मिला के क्या बन गए, बड़ा। इसे कहते हैं विद्या थी, विद्यार्थी हो गया। फिर दयानंद, देखिए दयानंद में आपको क्या दिख रहा, आप मतलब बड़ा मात्रा दिखा, तो दयानंद आप देखते ही जाने, कौन संधि है यहाँ पे, दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में आपको इसके अगर फॉर्मूला याद रखना, तो बड़ा और प्लस बड़ा मिला के क्या बनेगा, बड़ा, मतलब दीर्घ का मतलब बड़ा, आप छोटों को मिलाएंगे उससे क्या बनेगा, बड़ा। फिर आता है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, छोटा या बड़ा आपको मिलाकर क्या बनते हैं, इनके बाद जैसे छोटी बड़ी आती है वो आते हैं, तो क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। जैसे महेंद्र में महा प्लस इंद्र, अब महा में क्या मिल गया आपको, बड़ा मिल गया, एक ही मात्रा जहां दिखे, एक ही मात्रा, वहां पे क्या हो जाता है, गुण संधि। जहां पे एक ही मात्रा दिखे वहां पे क्या हो जाएगा, गुण संधि। तो क्या हो जाता है, आ और प्लस ई क्या बना दिए, ए, क्या हो गया, महेंद्र। यथेष्ट देखिएगा, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ऊपर ए मिला, सिंगल लाइन बंदा, तो क्या हो गया, यथेष्ट, यथा प्लस ईस्ट, बड़ा प्लस ई, यथेष्ट मिल गया आपको। इससे समझ में आ गया गुण संधि क्या होता है। देखिए कुछ चीजें कॉमन है, याद करके रखिए, जहां पे सिंपल ट्रिक है कि आप क्या करें, इसको बड़ा दिख जाए तो दीर्घ, सिंगल एक मात्रा मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, वहां पे हो जाएगा गुण संधि। अब जिसमें डबल मात्रा मिल जाए, जैसे तथेयो, तथेयो मिल गया, यहां पे क्या बन गया, ए, मतलब क्या हो गया, वृद्ध संधि। पहले में बड़ा, दूसरे में ए, तीसरे में आए, अब चौथे में आएंगे तो क्या मिलता है यहां पे, अब इसमें देखिए इसमें आय मिलता, आय मतलब सॉरी या जो होता है उसको कहते हैं यर, तो क्या हो गया, इत्यादि, इति धन, देखिए अब इसमें पता है, सॉरी वृद्ध संधि छूट गया था, तथेयो, तथा धन एयो, तथेयो हो गया, महाधन औसत, देखिए अ मिला, महा अ है यहां पे, औ आ और क्या बन जाएगी, ए। फिर आता है आपका यण संधि, इत्यादि, ई प्लस आदि, इत्यादि, उपयुक्त में ई प्लस उ क्या बन गए, या बन गए, यहां भी क्या बना, या बना। अगला आता है अयादि संधि, अयादि में क्या बनते हैं, अ बनते हैं। देखिए पहले भाव होना चाहिए, अ आएगा, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, देखिए ना कि स्वर ही आए, कोई भी भिन्न
स्वर आए तो क्या बन जाता, आव। जैसे भाव उक, भावुक है तो भाव उक, उ क्या आया, अन्य भिन्न है, उसके कारण क्या आव आया। आप देख लीजिए क्या था भाव, तो आव प्लस उक, उक था उसके अभिन्न स्वर आ गया, उसके जोड़ेंगे आओ तो क्या हो जाओ भाव, भाव के ऊपर आ गया, आओ की मात्रा हट गया तो क्या हो जाए आओ जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो क्या भाव उक हो गया आया। तो क्या सकते हैं भाव उक हो गया, पावक में पौधन, अक हो गया पौधन, आग लगा और जोड़ दिया तो क्या बन गया पावक। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए पावक, लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी कुछ जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, ये दोनों मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हम उम्मीद करते हैं, और इसके बाद हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, 5 मिनट में आपको आसानी से याद हो जाए, यही आपकी हमारी कोशिश रहेगी। चलिए फिर क्या करते हैं आपको हम अगली बार पढ़ाते, अगले व्यंजन संधि के बारे में आगे पढ़ाते हैं। जय हिंद दोस्तों।